Hello guys, my name is Dr. Deepak Anjana and as you know, currently I'm doing my internship from MY Hospital Indore. Or this video is especially for those people who are preparing for June exam. So for June 2021 FMG. So ab less than 60 days exam ke liye baki hai. So ab आप लोगों की फॉर्म की डेट भी आ गई है, आप लोगों ने फॉर्म फिल करना भी चालू कर दिया है. तो अब एक दो चार चीज़ों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत सारों के मैसेज भी आ रहे थे कि मतलब डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, टेंशन हो रही है, एग्ज़ाम कब होगी, कैसे कुछ चेंज ना हो जाए, नीट पीजी कैंसिल हुई है तो ये ना कैंसिल हो जाए, या अब पढ़ाई नहीं हो रही है, डीमोटिवेशन हो रहा है. तो आप देखो यार, सबसे सिंपल चीज़ है ना, अब सबसे पहले तो इस चीज़ का टेंशन छोड़ो कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. एग्ज़ाम होगा क्योंकि जून में एग्ज़ाम है, अभी टाइम है, सिचुएशन ख़राब हो रही है, बट जहाँ तक पूरे चांसेस है कि जून तक इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दो कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. एग्ज़ाम होगा. सेकेंड चीज़, अब हमें जो करंट सिचुएशन हो रही है, सब दूर सब जगह केसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सबसे पहले ना न्यूज़ से दूर जाना है. न्यूज़ जो भी ऐप्स आपके फ़ोन में हैं उनको डिलीट करना है, क्योंकि अब आप लोग हॉस्पिटल्स में नहीं हो तो क्या आपको न्यूज़ देखना है या आपको सिचुएशन देखनी है? हमें सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल, हमें हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है. तो वो चीज़ें आप उसको कर दो ताकि वो आपका फोकस ना हटा पाए. हमारा फोकस अभी एग्ज़ाम्स पे होना चाहिए. थर्ड चीज़ की पास होंगे या नहीं होंगे, जो टेंशन अब जो अचानक से आप में बढ़ रही हो क्योंकि अब एग्ज़ाम फॉर्म आपने भर दिया है. एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद हमें मतलब बिल्कुल होती है टेंशन, क्योंकि जब मैंने भी लास्ट टाइम जब हुआ था तो जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि अरे अब तो अचानक से ऐसा लगता है कि अरे अब तो बहुत ही कम टाइम बच गया है. तो इसलिए उस चीज़ को टेंशन छोड़ दो कि हमारा काम है पढ़ना, हमें पढ़ना है, पास होंगे, आराम से पास होंगे यार, इतना टाइम से हम पढ़ रहे हैं. वैसे भी अब रिवीजन चालू हो जाएगा, अब बच भी कितना टाइम रहा है, डेढ़ मंथ बच रहा है, डेढ़ से दो मंथ के अप्रोक्स. तो अभी हम जल्दी जल्दी जिन 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 लोगों का अभी भी सिलेबस बाकी है, बस उनको यही फोकस करना है, अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करो और उनको फटाफट निपटाओ और रिविज़न स्टार्ट करो. मिनिमम 40-45 डेज हमको रिविज़न में देना है. अगर उसके बाद भी आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है तो कुछ सब्जेक्ट अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप रिवीजन ही ना करो या आपको रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम हो. तो मिनिमम आपको दो रिवीजन तो अब देने ही हैं. तो इसीलिए अब इन चीज़ों को छोड़ दो. अभी आप रिवीजन अगर चालू करोगे तो मिनिमम 30 डेज आपको एक रिवीजन में लगेंगे, देन सेकेंड रिवीजन में 15-20 दिन लगेंगे, तो टोटल हमारे पास टाइम ही उतना बच रहा है. तो अगर कोई एक दो सब्जेक्ट छोड़ना पड़े ना तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक चीज़ को अगर आप 5 बार पढ़ोगे ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है बकायदा इसके कि 5 चीज़ों को एक बार पढ़ो. तो अब इसीलिए अब और ज़्यादा लोड मत लो, ज़्यादा हेक्टिक टेंशन मत लो, टेंशन में इतना आने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएंगे अब सब पास. वैसे भी जून का पेपर चांसेस हैं कि इजी आएगा, और ना भी आएगा तो पढ़ाई है हम लोगों ने इतना. और रिवीजन करते टाइम अब सबको यही लग रहा है ना कि कुछ याद नहीं हो रहा, तो उसकी टेंशन मत लो. सबको ये लगता है एग्ज़ाम डे तक भी यही लगेगा कि कुछ याद नहीं हो रहा. हमको बस पढ़ते हुए चलना है, याद हो रहा है नहीं हो रहा उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि उसका हम कुछ नहीं कर सकते. तो बस रिवीजन करो. बहुत सारों को था कि रिवीजन कैसे करना है, चार पांच रीडिंग मारते हुए चलना है, इसकी टेंशन सबको A to Z. कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको अभी ये नहीं लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं. सबको यही लगेगा कि यार कुछ भी याद नहीं. तो उसकी बिल्कुल टेंशन छोड़ दो. और ये दो दूसरे सोर्सेज होते हैं, जैसे कोई यूट्यूब पे किसी को जाता है तो उस पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. हमको हमारे नोट्स पे और हमारे जो भी चीज़ें हैं उन पे हमको ध्यान दे के चलना है. कुछ बहुत ज़्यादा ही खास लगे तो उसी पे हमको दूसरी साइड में जाना है, बट मेन फोकस हमारा हमारे ही नोट्स और इन्हीं सब पे होना चाहिए. बाकी और भी कोई आपका इशू हो, कोई आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, तो कभी कभार यार कोई कॉमेडी वगैरह शो देख लिया करो, थोड़ा बहुत हाफ एन आवर 40 मिनट चल जाता है, इतना भी नहीं कि पूरा अपन डूब जाए उसमें. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरा इन्जॉय मोड में चले जाए, बट कभी कभी एक वीक में एक बार चल जाता है इतना, क्योंकि ताकि लोड ना हो. बाकी अभी सिचुएशन जो भी चल रही है उस पर अपने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है. हमें एग्ज़ाम पर फोकस करना है, हमें हमारे रिविज़न पर फोकस करना है, इमेजेस पर फोकस करना है. वही करो यार, कोई अब हिम्मत नहीं हारना है अपने को. अब हिम्मत पूरी बिल्कुल हिम्मत से काम चला लेना है, और अपने को बस चलना है, अपने को रुकना नहीं है, अपने को
थोड़ा धीरे हो सकते हैं कभी कभी, बट कोई दिक्कत नहीं, बट चलना है अपने को, रुकना बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, तो रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। और 18 जून बस आ गई है यार, वैसे भी बस सामने दिख रही है अपडेट, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लो, चिल हो के अच्छे से इन्जॉय होके पढ़ाई करो। कोई भी इशू आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा एनी टाइम अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, कभी भी आप चाहो मुझे मैसेज करो, कॉल करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर दीपक पर जाएँ, फॉलो करें।